हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू परितांडी ब्लॉग्स। कल भी मैंने जो किचन क्लीनिंग का ब्लॉग शूट किया था वो यहीं पे बैठ के किया था, और अभी सुबह के बजे हैं 8:35 और बाहर हो रही है बारिश, अगर दिख रही है तो। और ये मेरी बेडशीट का हाल जो कि मेरे लाडले बेटे ने किया है, जो कि सुबह उठा है और उठते ही क्ले से खेलना शुरू कर दिया है उसने। नाइट में गर्मी थी इस वजह से टी शर्ट उतार के सो गया था, और अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो अभी तो ये कंडीशन है कि हमारे फैन भी नहीं चल रहे हैं और अभी हम बैठे हैं। चाय हो गई हमारी, गर्म पानी पी लिया, चाय पी ली, उसके बाद ग्लूकोन डी भी पी लिया और अब फ्री होकर बैठी हूँ। अब किचन थोड़ा बहुत बर्तन पड़े हैं, चाय कॉफ़ी वो सारे वही दूध बच्चों के लिए बनाया था और अब चाय पी थी सारा ग्लूकोंडी वाला, वो सब बर्तन धोने हैं। अभी बेडशीट वापस हटाकर देखती हूँ, अगर नई बिछानी होगी तो नई बिछा दूँगी, नहीं तो इसी को वापस अच्छी तरह से झटक के लगा दूँगी और बाकी घर का काम करूँगी। और लौकी का जूस बनाना था आज मुझे, और मैं एक स्पेशल रेसिपी आपके साथ भी शेयर करने वाली थी लौकी के जूस की, अभी तक मैंने कभी बनाया नहीं है, आज फर्स्ट टाइम बनाने वाली थी बट लाइट चली गई है तो उस वजह से, इन्वर्टर से तो हम मिक्सी नहीं चला सकते, तो अभी लाइट का वेट करते हैं। जब लाइट आएगी तो इसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी लौकी के जूस की रेसिपी। और सिनू अभी सो रहा है, वो उठेगा अब पता नहीं, छुट्टी है तो कभी 11 बजे उठता है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो उसका कोई भरोसा नहीं है वो कब उठे कब नहीं उठे, और उससे कुछ काम भी नहीं है हमको, तो उसको सोने देते हैं अभी फ़िलहाल। आयुष थोड़ी देर अभी क्ले से खेलता है, उसको ब्रश करवाएंगे, नहलाएंगे और फिर उसके बाद उसको पढ़ने बिठाएंगे, वो ज़रूरी है पढ़ाई भी करनी, तो अभी थोड़ी देर खेल रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और मैं कर लेती हूँ कुछ छोटा मोटा घर का काम, बेड सेट कर लेती हूँ पहले, फिर आपसे मिलेंगे थोड़े टाइम बाद। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखते हैं ब्लॉग कितना लंबा क्या हो पाता है। अभी अगर छोटा मोटा अगर थोड़ा बहुत अगर शूट नहीं कर पाते हैं तो आपको फुल डे का ब्लॉग दे देंगे, ये फुल डे रूटीन शेयर कर दूंगी, और अगर ब्लॉग ज़्यादा लंबा होगा तो छोटा मोटा ब्लॉग बस यही आपके साथ शेयर कर दूंगी, मॉर्निंग ब्लॉग ही, तो आप ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं सो गाइज, यहाँ पे ग्लूकोन डी रखा है तो मैं सोचा इसको पहले फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद ही उठती हूँ काम के लिए, ताकि थोड़ी सी एनर्जी रहेगी तो काम ईजीली कर पाऊँगी, और आज तो मुझे डबल एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि बच्चे मेरे आज घर पर ही है इस वजह से, तो अभी बच्चों को भी हैंडल करना है मुझे, तो आज बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ मैं छोले की सब्ज़ी। और मैंने छोले बॉईल भी कर दिए थे और बहुत कम छोले भिगोए थे मैंने, क्योंकि अभी तांडी साहब डाइटिंग पे है तो वो खाना बिल्कुल भी मतलब नहीं के बराबर खा रहे हैं, और ये छोले हो गए या आलू हो गए ये सब चीज़ें नहीं खा रहे हैं, वो अभी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं इस वजह से। तो मैंने, आप देख सकते हो, बिल्कुल थोड़े से छोले लिए हैं और इनको मैं अच्छी तरह से धो देती हूँ, क्योंकि मैंने नाइट में इनको भिगो दिया था। तो अब मैं छोले के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया हूँ, उसी के साथ ही उसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, और फिर उसके बाद ये भी मैं चढ़ा दूँगी गैस पर, ताकि साइड में मैं जितना भी काम करूँगी तब तक मेरे छोले बॉईल हो जाएंगे, तो कुछ काम अगर हम करते करते ये भी काम अगर साथ में निपटा देते हैं तो थोड़ा सा हल्का फील होता है। सो फ्रेंड्स, छोले मैंने चढ़ा दिए हैं गैस पे, वो बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं पहले वो धो देती हूँ, ताकि और बर्तन ना हो, और मेरे यहाँ पर सिंक में कभी मेरा सिंक खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ बर्तन हो ही जाते हैं। अगर मैं सारा काम निपटा कर जिस दिन मैं सारे बर्तन चुन चुन के धो दूँ, और जब लगे कि बच्चों को खाना भी खिला दिया है, सब काम हो गया है, अब बर्तन नहीं है, तो भी बच्चे कहीं ना कहीं ग्लास छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं कप छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ बाउल में कुछ नमकीन कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, तो बर्तन रह ही जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि छोड़ो ये, एक दो बर्तन और हो जाएंगे तभी धोएंगे। सो यहाँ पर अभी मैं चाय के बर्तन, दूध के बर्तन, ग्लूकोन डी के जितने भी थे और वो पानी का जो जग था वो सब ये अभी धोने वाली हूँ, ताकि एक बार मॉर्निंग के बर्तन फ्री हो जाए तो फिर मैं जब ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो मुझे थोड़ा सा ईजी लगेगा। और जिस दिन मैं चाय के बर्तन नहीं धो पाती हूँ, दूध के बर्तन नहीं धो पाती हूँ, उस दिन मेरे बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मुझे आलस आता है कि चलो कुकर भी साथ में धो लेंगे, बर्तन भी साथ में धो देंगे,
कढ़ाई पैन परात तवा सब साथ में ही धो देंगे, और उस चक्कर में इतने बर्तन हो जाते हैं कि बहुत हेडेक हो जाता है फिर मुझे उनको धोने धोने में ही। सो अभी बहुत हल्का फील हो रहा है, बर्तन इतने से ही थे तो सारे बर्तन धो दिए। जग के अंदर पानी बचा हुआ था तो उस पानी को मैं साइड में रख देती हूँ और जग को अच्छी तरह से धो दूँगी। किचन की ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है फ्रेंड जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, और जिस दिन संडे होता है उस दिन हम लोगों को ये लगता है कि शायद क्या पता संडे को हम रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से मतलब काम करेंगे, तो वो भी गलत ही सोचना है। उल्टा हमें संडे को और ज़्यादा भागना होता है, क्योंकि संडे को उठने का टाइमिंग तो मेरा वही रहता है 5 बजे वाला ही, तो मुझे तो उठना तो उसी टाइम है। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोच सकती कि आज संडे है तो मुझे लेट उठना है। और रही बात काम की, तो उस दिन काम अगर टाइम पे ना करो तो फिर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत चिल्लाने लग जाते हैं, इस वजह से काम भी टाइम पे करना पड़ता है। और उस दिन बच्चों को लगता है कि आज कुछ स्पेशल खिला देते हैं, तो इस वजह से ये भी काम ज़्यादा हो जाता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब बेचारों को जो स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग खाना खाना पड़ता है, इस वजह से आज अब बच्चे घर पे हैं तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए स्पेशल बना दूँ। आयुष और सिनू से पूछा गया था कि पनीर बना देते हैं, मैं पनीर भी लेके आ गई थी बट उन्होंने मना कर दिया कि मम्मा नहीं आज पनीर नहीं खाना है हमें, हमें आज छोले भटूरे खाने हैं, और छोले भटूरे नहीं छोले पूड़ी खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो पूड़ी को भटूरे ही बोलते हैं, तो बोले कि छोले भटूरे खाने हैं। मैंने कहा ठीक है छोले भटूरे बना देंगे बिल्कुल आपके लिए। और फिर ये सब जब काम कर रही थी तब दूध वाले भैया भी आ गए, तो मैं दूध लेके आ गई। कार्ड से दूध मिलता है, हमेशा कार्ड बना हुआ है हमारा, तो उसके अंदर आपको पेमेंट करवा देना होता है, और फिर उसी कार्ड से एटीएम कार्ड की तरह कार्ड होता है, तो आप जितना चाहो उतना दूध ले सकते हो। फिर तो अभी दूध लेके आ गई हूँ, छोले मेरे बॉयल हो चुके हैं, छोले ठंडे भी हो चुके हैं, तो हाथ डाल के चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल सही बॉयल हुए हैं। और अब हम बनाएंगे छोले की सब्जी। बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, थोड़ा बहुत दूसरा काम भी हो चुका है, तो अभी बस बच्चों के लिए फटाफट से बना देते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ पैन, और पैन को चढ़ा देंगे गैस पे। लहसुन भी ले लूँगी और मसाले भी ले आऊँगी पास में। वैसे बच्चे सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, भूख तो उनको बिल्कुल भी नहीं लगी है, बट मैं बना के फ्री हो जाती हूँ ताकि थोड़ा सा खुद को भी टाइम दे पाऊँ। और व्लॉग भी मेरे को अपलोड करना है, बहुत दिन से व्लॉग आ नहीं रही थे इस वजह से, तो वो भी मैं एडिट करके फटाफट से अपलोड करना है मुझे। यहाँ पर आयुष को लगी है भूख फिर से, तो बोल रहा है कि मम्मा मुझे मिल्क पाउडर खाने का बहुत मन हो रहा है, तो अभी मैंने आयुष को दिया है मिल्क पाउडर। और मैं यहाँ पर निकाल के लेके आई हूँ करेले भी बाहर, तो देखते हैं करेले की सब्जी बनाते हैं या फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो अभी करेले को भी नमक में डालना है। उससे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली ले ली है, लहसुन ले लिया है, और उसी के साथ ही मैंने ले लिया है प्याज। तो पहले मैं प्याज के छिलके हटा लूँगी और उसके बाद प्याज को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, और उसके बाद मैं प्याज को भी इसमें छोटे छोटे से टुकड़े कर दूँगी चॉपर में। और जब तक मैं साइड का ये सब काम करूँगी तब तक मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, तो मैं दूध के पास में ही खड़ी हूँ ताकि दूध नीचे ना गिर जाए मेरा। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, और सारा काम करते करते मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं किस वजह से यहाँ किचन में अभी हूँ दूध गर्म करने के लिए, और दूध गर्म हो गया और दूध पूरा बाहर गिर गया और मैं पास में खड़े खड़े कुछ नहीं कर पाई। तो मैं मेरे को खुद पे ही इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं मतलब पास में होते हुए अभी मैंने गैस स्टोव साफ़ किया था और अभी फिर से मेरा काम बढ़ गया है, और अब मैं खाना भी नहीं बना सकती इस पर, क्योंकि अगर मैं इस पर अब पहले खाना बना दूँगी तो फिर वो सारा जो दूध नीचे गिरा है वो सारा चिपक जाएगा, और अभी दूध एकदम गरम गरम है तो इसको हम हटा भी सकते हैं इजीली। एक बार अगर हमने नहीं हटाया, कुछ और बना दिया, गैस ऑन कर दिया, वो सारा चिपक जाता है, फिर लोहे वाली जाली से मेरे को हटाना पड़ता है। इस वजह से मैंने अभी तुरंत ही इसको हटा दिया है, और अब मैंने चढ़ा दिया है पैन, और यहाँ पर पास में मैं लेके आ गई हूँ करेले भी। मैं सोच रही हूँ फटाफट से ये भी निपटा देती हूँ साइड में ही, ताकि सारा काम अगर हम साथ में कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा फिर मेरे लिए। और करेले मैं लंच के लिए कर रही हूँ रेडी, बट कड़वे होते हैं इस वजह से मैंने सोचा चलो नमक में डाल के रख देते हैं ताकि कड़वाहट चली जाएगी, फिर आराम से नाश्ता करेंगे और उसके बाद आराम से लंच बना देंगे। और फ्रेंड्स मुझे करेले की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे करेले पसंद है, तो ये मैं सब्जी आज इसलिए बना रही हूँ लंच में कि क्योंकि तांडी साहब तो सब्जी खाने नहीं वाले हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज हम एक दो दिन वो सब्जियाँ बनाएंगे अभी थोड़े दिन हफ्ते भर जो सब्जियाँ तांडी साहब को पसंद नहीं है। तो तांडी साहब को करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने करेले बनाने का प्लान बनाया है। तो सारी सब्जियाँ अभी थोड़ी बना रही हूँ, करेले भी मैं बहुत कम लेके आई थी, तो करेले पर नमक लगा कर
मैंने ढक्कन लगा कर रख दिया है। और यहाँ पर मैं ये लेके आई हूँ ऑयल डालने के लिए, बट ये अभी मैंने धोया था कल, तो अभी पानी है उसके अंदर, सूखा नहीं है अच्छी तरह से, तो मैंने फिर वापस रख दिया उसको। पैन में मैंने ले लिया है अभी ऑयल, और अब मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी, उसमें बस ख़त्म हो गया था तो इस वजह से, और हल्दी मिर्ची धनिया सब जो घर से लाए थे वो सब ख़त्म हो गया था, इस वजह से अब मैं पैकेट लेके आई हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मसाले मेरे सारे अब ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट इस वजह से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डालूंगी जीरा, और जीरे को भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जीरा मैं घर से लेके आई हूँ तो थोड़े बहुत तो उसमें मतलब डंठल वगैरह रह ही जाते हैं, घर का जीरा है तो, अगर हम रेडीमेड जीरा लाते हैं तो वो साफ़ मिलता है। सो यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया है, उसी के साथ ही मैंने ले ली है राई, और जब तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था, और अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। छोले की सब्ज़ी मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बनाती हूँ, बट आज क्या हुआ कि लाइट नहीं है अभी, तो लाइट जाने की वजह से मैं ग्रेवी रेडी नहीं कर पाऊँगी इस वजह से, बट मैंने कहा बच्चों का मन है तो आज बनाना तो छोले ही है, तो इस वजह से बिना ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं आज। और यहाँ पर मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, ताकि थोड़ा सा खटाई जैसा वो खट्टा खट्टा सा बन जाए सब्ज़ी, तो बच्चों को अच्छी लगेगी। और टमाटर भी अभी बहुत महंगे हो गए हैं, 150 की रेट चल रही है पर केजी के हिसाब से, बट बच्चों के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ का ऑप्शन ही नहीं है, जो चीज़ बच्चों को पसंद है वो सस्ती हो या महंगी लेके तो आनी ही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अभी टमाटर को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इसी के साथ ही टमाटर भी मैंने ऐड कर ही दिए थे पहले। अब मैं यहाँ पर सिंक साफ़ कर देती हूँ, स्टैंड साफ़ कर देती हूँ, और सब्जी को एक बार फिर से चम्मच हिला दूँगी। और यहाँ पर दही भी नहीं था, ये दही इतना सा मतलब सारा दही काम में ले लिया हमने, और नाइट में मैं दही जमाना भी भूल गई थी, बट मैं जितना भी थोड़ा सा जावन वाला दही है मैं उसी को काम में ले लूँगी। और दही मैं हमेशा कैसरोल में जमाती हूँ, इस वजह से ये कैसरोल में दही रहता है मेरा। थोड़ा सा दही ऐड कर लिया है मैंने सब्जी में, और अब हम सब्जी को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं जितने भी बर्तन और हो चुके हैं इनको भी फटाफट से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अगर ये बर्तन टाइम पे साफ़ नहीं करूँगी तो फिर वही मेरी बात है कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा साइड में सब्जी बन रही है तब तक हम ये बर्तन धो लेंगे, ताकि पास में सब्जी पर भी ध्यान रख लेंगे। और अब आप लोग कहोगे कमेंट करके कि दूध पे अच्छा ध्यान रखा था मैंने, तो कोई नहीं गलती हो जाती है, थोड़ा सा दूध का तो क्या है कि सावधानी हटे दुर्घटना घटे। और बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं क्रिकेट अभी, और बच्चे मेरे काफ़ी देर तक ज़्यादा देर साथ में वो खेल नहीं पाते हैं, थोड़ी देर खेलने के बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है, और जब उसके पापा उनको खिलाते हैं तो वो अच्छे से खेल लेते हैं, लेकिन दोनों अगर अकेले खेलते हैं तो थोड़ी देर ही खेल पाते हैं, फिर लड़ाई करके फिर आ जाते हैं। और सीनू ही थोड़ा सा बदमाश हो गया, अभी आयुष बेचारा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है बट सीनू सुनता नहीं है, तो अब छोटा रह गया सीनू को, अब समझाए तो भी कितना समझाए, तो वही बात हो जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर बार बार बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको मैं वही समझा रही हूँ कि बेटा लड़ाई नहीं करनी है, अच्छे से रहो आप। और यहाँ पर मैं जो छोले हैं वो छोले निकाल दूँगी बाहर, और छोले डाल दूंगी मैं सब्जी के अंदर, क्योंकि अब मसाला भी ऑलमोस्ट पकने ही वाला है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और पक जाए तब तक पहले हम कुकर को धो देते हैं, और कुकर को धोने के बाद तब तक हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो मसाला पकने के बाद जब तेल छोड़ देता है तो समझ लो कि हमारा मसाला पक चुका है, तो उस टाइम हम मसाले के अंदर डाल देंगे छोले। और फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ लौकी के जूस की रेसिपी भी शेयर करने वाली थी, बट वो भी हो नहीं पाया लाइट की वजह से, क्योंकि मिक्सी फिर चला नहीं पाता इस वजह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जब भी मैं बनाऊंगी तो वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पर हमारा कुकर साफ़ हो चुका है, तो यहाँ पर अब मैंने डाल दिए हैं छोले, उनको मिला दिया है, और ज़्यादा कुछ तो मेरे को टेस्ट अलग नहीं लगा, नॉर्मल वही टेस्ट आ रहा था, बस इसमें क्या हुआ कि हमने ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्सी में रेडी नहीं की है, तो वही हो गया है थोड़ा सा डिफरेंट इसमें। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पूड़ी। तो यहाँ पर आटा रखा हुआ था लगाया हुआ, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, तब तक मैं फटाफट से मैंने सोचा चलो पूड़ी बेल ही लेती हूँ मैं साइड में, तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बेल रही हूँ पूड़ी, और फटाफट से करवा देती हूँ बच्चों को ब्रेकफास्ट।
और यहाँ पर पूड़ी बेलने के लिए मैं तेल कढ़ाई में से ही ले रही हूँ, क्योंकि अलग से बाउल में लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी ऑयल गर्म भी नहीं हुआ है और मैं तो ऑयल जब गर्म होता है और गर्मा गर्म पूड़ी निकालनी होती है तो भी कढ़ाई के अंदर से ही ले लेती हूँ। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, बट मैं सोचती हूँ ज़्यादा बर्तन करने का क्या फ़ायदा, जब हो रहा है तो इसी से काम निकाल लेते हैं। और पहले मैं पूड़ी बेलती थी तो आटा लगाकर बेलती थी, बट उससे क्या होता ना, ऑयल पूरा फेस्ट हो जाता था और कढ़ाई के पैंदे में वो थोड़ा सा आटा रह जाता था इस वजह से। तो यहाँ पर अभी मैं वही ऑयल लगाना शुरू कर दिया हूँ। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरा व्लॉग। और यहाँ पे मैं तल रही हूँ पूड़ी और बच्चों को करवाऊँगी ब्रेकफास्ट। ये वाले व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, इसी व्लॉग को मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू रखूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।